हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह के स्टिच बनाकर बताने वाली हूँ। ये देखिए जिस तरह से मैंने ये पिकॉक बनाई हुई है, ये स्टिच बनाना मैं आपको बताऊंगी। प्लास्टिक कैनवास को आप कई तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, हैंड फैन भी बना सकते हैं और डोरमेट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने वॉल हैंगिंग बनाए हुए हैं। अगर आप ये वॉल हैंगिंग बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए हुए हैं, वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज मैं आपको अल्फाबेट का ए बनाकर बताने वाली हूं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हमने प्लास्टिक कैनवास को ले लिया है, ये हमारा रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है प्लास्टिक कैनवास का। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पर मैं 3 रो छोड़कर इसके बाद में हमारा A4 एप्पल बनकर आएगा इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, जिसमें हम स्टिच बनाएंगे वो 15 रो का है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, और यहाँ से हमने 1, 2 और ये 3 इस होल में हमने इस तरह से निकाल दिए सुई, इस तरह से निकालेंगे। और ये मैंने यहाँ पर इसमें गांठ लगा रखी है, तो इसे इस तरह से बीच से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, अब यहाँ पर ये 2 रो हमारी छूट जाएंगी, 1 और ये 2। अब यहाँ पर हम फिर से इस रो में निकालेंगे, इस कॉलम में। अब यहाँ से हम यहाँ पर लाएंगे 1 और ये 2, दूसरे होल में इस तरह से ले आएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से ये 1 रो है, इसी में हम निकालेंगे। फिर से हम इस तरह से बैक आएंगे और इस वाले होल में, इस साइड में हमें 2 रो को एक साथ ले लेना है, जो हमने इस वाली रो को लिया है और ये न्यू रो को इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पर हम इस रो को फिर से इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पर हम बैक हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे स्टिच बनते हैं। अब यहाँ पर हम इस रो में निकालेंगे कॉलम में और ये एक स्टिच बना लेंगे। अब यहाँ पर हम अगले कॉलम में इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर हमने इस तरह से धागा निकाल लेंगे। फिर से हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम अगली रो में जाएंगे। अभी हम ये वाली रो में बना रहे थे, अब हमें इस तरह से जाना है। अब यहाँ पर फिर से हम इस तरह से कॉलम में निकालेंगे। यहाँ पर निकाला, फिर यहाँ से हम, ये देखिए 2 स्टिच मैंने यहाँ पर बनाए हैं, 1 और ये 2। फिर से हम साइड में हो जाएंगे इस तरह से। इन स्टिच को आप किसी भी कॉलम में घुमाकर बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर एक एक रो छोड़ते हुए साइड में कॉलम बनाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर हम इस साइड में निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पर, और इसे हम इस तरह से घुमा लेंगे। ये स्टिच बहुत ही आसान है, मैं आपको इसलिए बनाकर बता रही हूँ, वॉल हैंगिंग में इसी तरह के स्टिच बनते हैं।
अब हम यहाँ पर निकालेंगे, इस तरह से घुमा लेंगे फिर से मैट को, और इस वाले स्टिच में इससे एक पहले इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बन चुका है ये स्टिच। अब यहाँ पर हम इस कॉलम में आएंगे, 1, 2 और ये 3 रो में इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस रो में टोटल स्टिच बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बाकी ये सभी 2-2 स्टिच बने हुए हैं और यहाँ पर ये 3 स्टिच बने हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से A4 एप्पल बन चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के स्टिच बनाकर आप प्लास्टिक कैनवास में किसी तरह का भी ग्राफ देख कर आप इसमें फिल कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने वॉल हैंगिंग बनाई हुई है, जैसे कि पिकॉक हो गया, पैरट हो गया और लॉयन, किसी तरह की भी कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।